नमस्कार दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से मीत हुड्डा और मनमीत पहलवान एक तो हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों आखिरकार सरकार बदला लेने की फिराक में है, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है कि तुम इस बाहर के छोकरे के लिए इतना लगाव क्यों रख रहे हो और तुम ठीक नहीं कर रहे हो। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी एक नया दिलचस्प ट्विस्ट लेकर आ चुकी है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से लगातार मीत हुड्डा सभी लोगों से बगावत करती हुई नजर आने वाली है उस बच्चे के लिए। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं मीत हुड्डा की जो ममता है अंदर की, वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी है और उसे अपने बच्चे के रूप में, क्योंकि हालांकि अभी तक मीत हुड्डा को भी पता नहीं है इस चीज़ का कि ये मेरा ही बेटा है। आप लोग जानते हैं कि कहानी एक नया दिलचस्प मोड़ लेकर आ चुकी है। जहाँ तक आने वाली कहानी की अगर बात की जाए, तो आने वाली कहानी में खुद सरकार से सबसे बड़ी बगावत फिर करती हुई नज़र आने वाली है मीत हुड्डा। मीत हुड्डा बोलती हुई नज़र आएगी कि अभी तक तो मैं तुम्हारी शराब वाली फैक्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी फैक्ट्री के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं देखती हूँ कि किस तरीके से तुम इस फैक्ट्री को कैसे स्टार्ट करते हो। आप लोग जानते हैं कि इस पूरे फैसले के साथ में मनमीत ने भी अपना भरपूर साथ देता हुआ नज़र आने वाला है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी वाकई में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जोर की देखने को मिलेगी, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से यशोदा बोलती हुई नज़र आने वाली है मीत हुड्डा से बोलती हुई नज़र आएगी कि तू क्यों खतरा मोल ले रही है, सरकार नाम है इसका, ये तुझे गायब कर देगा रातों रात। और ये दोस्तों रियलिटी है कि सरकार की पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों मीत हुड्डा लगातार पिन करती हुई नज़र आ रही है बापू सरकार के, और बापू सरकार अभी तक खाली इस चीज़ को सहन कर रहा है अपने बेटे के खातर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसने तो बहुत पहले ही ये चैलेंज फेंक दिया था कि मैं जो चाहें जैसे चाहूँ वैसे कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।